होगा कि अपने अपने खूबसूरत बीवी अगर आपके पास है और वह इंस्टाग्राम चलाती है तो उस पर ताला लगा दीजिए, और खास करके जिनके 4 से 5 बच्चे वाली बीवी है उस पर तो डबल ताला लगा दीजिए। ताला क्यों लगाना है? क्योंकि इंस्टाग्राम से हुआ एक 4 बच्चे की मां को प्यार तो आशिक संग हो गई रातों रात फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम चंपारण जिला के मेहसी नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 में मोहम्मद हसमत के दरवाजे पर खड़े हैं। मेरे कैमरे पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटा बच्चा एक इनके गोद में यही मोहम्मद हसमत है, और एक छोटा ये लगभग 4 से 5 महीने का बच्चा है, और दूसरा नंबर इस बच्चे का, इसका उम्र है लगभग 3 से 3.5 साल, और ये चौथा बच्चा है, इसका उम्र है लगभग 5 साल के बीच में, और ये 5.5 साल के बच्चा है। अब समझ सकते हैं कि 4 बच्चों की मां इंस्टाग्राम से प्यार होने के बाद फरार हो जा रही है। गलती इनका यही है कि मोबाइल तो उसके पास था लेकिन ताला नहीं लगा पाए। हालांकि अब सभी लोगों को अपने अपने बीवियों पर ताला लगाने की जरूरत है, और कब तक ताला लगाना है? जब तक आप उसको मोबाइल दे रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हालात इनके जैसा हो जाएगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मां जिसे हम कहते हैं, मां का शब्द होता है कि मां वह मां होती है कि दुनिया से अपने बच्चों को पालने में दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन यह अभी एक मां है कि आशिक के पीछे 4 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जबकि ये बच्चा दूध पीता है, दूध पीता है, वैसे बच्चे को भी आशिक के प्यार में अंधा होकर फरार हो गई। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार अंधा होता है, ना कुछ देखता है, ना कुछ सुनता है, और ना ही कुछ समझता है। और ऐसी स्थिति जो है, ये साक्ष जो है सबूत के तौर पर है। अब लड़का कहाँ का है इन्हीं के मुंह से सुनेंगे, घटना की पूरी बातों को भी हम इनके मुंह से सुनाएंगे, लेकिन मैं दर्शकों से कहूंगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 5 लोगों में शेयर कर देंगे, और ऐसी महिलाओं पर कमेंट भी जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इन बच्चों की मां कहीं ना कहीं होगी, और किसी ना किसी गली में होगी, तो कम से कम वहां के मोहल्ले के लोग जो है इस आदमी को सूचना दे दे, और काश इस जो है नवजात बच्चे की मां का दूध का सहारा हो जाए। फिलहाल यहाँ के समाज से हम बात करेंगे, क्या कहेंगे इंस्टाग्राम पर? हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं, ऐसी औरतों के बारे में क्या कहेंगे? ये भी कुछ नहीं जानते हैं, ये सब जो है गुंगा बाबा है, बोल नहीं सकता है, क्या कहेंगे? कोई लेके भाग गया मेला में। अच्छा, मेला से। अच्छा, मेला से लेके भाग गया, था पिटने का शुरू लगा दिया, इसको पिटना भी शुरू कर दिया, मैंने उसके आशिक लोग पिटना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं उसी भागी हुई रेशमा परवीन जो महिला है उसकी ये सासू जी है, अभी छोटे बच्चों को यही देख रेख कर रही हैं और दाना पाना खिला रही हैं। दादी माँ बोलते हैं, माने माँ के बाद दादी माँ, माँ मर जाती है तो कौन बच्चों को पालता है? दादी माँ, और दादी माँ जो है बच्चों को पाल रही है। कैसे, क्या घटना हुई? दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी अम्मा, अम्मा दादी, मेरा बच्चा सब करप रहा है, मारे बच्चा सा के चलते मेरा नसीहत हो रहा है, बच्चा सा के चलते मेरा नसीहत। कितना दिन से उसका फोन फान चलता था? ये चाहे 15 दिन से झेल रहे हैं बच्चा सा के लेके देख, बच्चा सा के लेके झेल रहे हैं देख 15 दिन से। आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि दुख से भी भाग सकती है, तो दुख भी हम दिखाने जा रहे हैं हमारे कैमरे पर। यह जो है रेशमा परवीन का घर है, बाहर से ज्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन अंदर से भी हम दिखाने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि यह घर है और छत का घर है, ऐसा भी नहीं है कि पुरुष का घर है, और ये घर आप देख लीजिए, ये रेशमा परवीन का घर है जो महिला अपने बच्चों को छोड़कर भागी है। और ये देखिए कितना शानदार शानदार, गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी है, और इसी रूम में रेशमा परवीन रहती थी। और जरा कैमरा मैन इधर आइए, देख सकते हैं ये बालकनी भी है उसका,
और इस तरीके का घर है और इसके बावजूद भी छोटे छोटे मासूम बच्चे को छोड़कर इंस्टाग्राम से प्यार करने वाली यह डाइन महिला फरार हो गई। अब फरार तो हो गई, लेकिन फरार होने के पीछे आज कौन परेशान है तो आप समझ लीजिए कि यही उसके बदनसीब पति हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको ढूंढने का कोशिश करिए आप, मिल जाए आप, समझ रहे। कहाँ का लड़का लेके भागा है जी? मैन मैसी का लड़का, वो लड़की बता रहे थे कि मैन मैसी का लड़का है। मैन मैसी का लड़का, क्या नाम है उसका? उस लड़का का नाम नहीं पता है ना मुझे, है ना, राज राज है ना, राज लिखा हुआ था, राज राज पता आया थी। राज फोटो वगैरह है? फोटो है मेरे पास लड़का का, फोटो दिखाइए मोबाइल में, फोटो भी है मेरे पास, हाँ दिखाए लड़के का फोटो। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आपके अंदर इंसानियत है तो कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। आखिर ऐसे बच्चा दिखाइए कैमरे पर, दिखाइए ये देख लीजिए, इसी लड़के के साथ भागी है। इस तरह का आरोप जो है इनके पति का, और लंबे समय से इंस्टाग्राम पर प्यार चल रहा था और लंबे समय से प्यार चलने कारण 4 बच्चों की मां को लेकर फरार हो गया। आयु कहे आखिर मां जो है 4 बच्चों को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गए। इस मामले में आपने मैसी थाने में आवेदन दिया है? हाँ, मैसी थाने में आवेदन दिए हुए। केस हुआ कि नहीं हुआ? जी केस नहीं ले रहा, 40 सबर दे रहा, बस और कुछ नहीं कर रहा। आपने एसपी साहब को इसका लेटर दिया? हाँ, एसपी साहब को भी बताया मैंने। अच्छा, एसपी साहब बोला एसपी साहब इतने बात बोला कि आएगा तो रख लो रे ना। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ ही रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। मेन बात है ना, मेरा बच्चा प्यारा है, समझ रहे, मैं बच्चे के साथ ही उस लेडीज को है ना गुनाह भी माफ करके रख सकता हूँ। हाँ। मेरे अंदर दोबारा ना चढ़े वो। पिटाई उटाई भी करते होंगे? जी नहीं, डॉलती देते ना तो कोई भी इंसान पीटेगा, डॉलत इंसान को देते तभी पीटता है। कितना दिन से आपको मालूम था कि इंस्टाग्राम पर प्यार कर रही है? जी बहुत दिन से कर रही थी, मैं उसको समझा समझा थुथुर रो दिया। अच्छा, उसको समझा समझा थुथुर रो दिया कि ये सब है ना लड़का जिसम का भुट्टल है, समझ रहे, जिसम का भुट्टल है, ये तुम्हारा है ना कोई शादी नहीं चलेगा। अगर शादी कर, अच्छा दूध पीता है? हाँ दूध पीता है। तो अभी इसका दूध का कैसे चलता है? इसका दूध उठाना दिया हुआ है, दूध अभी गाय का। हाँ गाय का पी रहा है। आप देख सकते हैं माई के बाद गाय, गाय का दूध पर बच्चा जी रहा है। और इस स्थिति में जो है हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं के प्रति, आप लोगों की क्या सोच है? हमारी सोच तो यही है कि बीवी को मोबाइल दे, लेकिन सादा मोबाइल दे ताकि बात हो सके अपने आदमी अपने रिश्तेदार। फिर वैसे स्थिति में तो शाम को बीवी खाना नहीं देगी, तो खाना नहीं देगी तो शाम के आदमी आएगा मोबाइल लेके वीडियो कॉलिंग जहां बात करना हो सामने करे। ये तो आपकी सोच है? ये हमारी सोच है। हाँ। लेकिन मोबाइल देने का मतलब ही थोड़ा है कि आप फरार हो जाइए? नहीं। हाँ। ये अपना सोच गलत है। हाँ। गलत सोच के कारण हम भागते हैं, चाहे कोई भी गलत कदम उठाते हैं। गलत कदम बताइए, 6 फुट का आदमी को छोड़कर, 4 बच्चे को छोड़कर ये महिला जो है भाग गई। और हाँ। और उसकी माँ क्या कर रही है पता है? कि तुमको शराब कराएंगे, शादी नहीं कराएंगे, शराब कराएंगे। और उसकी माँ क्या कर रहा है? तो चिट्ठी उसका जो मेरा सारू भाई है वो कह रहा है कि जेल सटवा दूंगा। उसकी बड़ा वाला भाई कह रहा है कि तू मरवा दिया, उसकी माँ कह रहा मरवा दिया। जब लड़की से मरवाना रहता था बहन, जो 10 साल से मैं रहता उस लड़की को। अच्छा, और उसकी माँ को सब पता, माँ को बहन को, वो बड़ी वाली बहन है ना वो टाटा वाली, उसको भी पता है कि कौन सा लड़का से प्यार कर रहा था पहले भी, और वो पहले भी प्यार कर रहा था, उसका गुना भी माफ करते चल दिया, और आज भी ऐसा धोखा दिया। तो उसका माँ को भी पता है, बहन को भी पता है, उसका पूरा आदमी को पता है। और कहाँ से सुना ले आप? जी संतोष सरैया छोटे, आप मैन मैसी में उस लड़के घर पता लगाया कि लड़का है कि नहीं है? जी नहीं, हम पता नहीं लगाया। मैन मैसी के आदमी कोई नहीं बता रहा, मतलब कोई कह रहा है की मैन मैसी का है, कोई कह रहा है इधर का है, कोई कह रहा उधर का है। तो मैं दर्शकों से कहूंगा की आप इस खबर को अधिक से अधिक जरूर शेयर करेंगे, और तमाम बीवियों के पति से भी कहूंगा कि यदि आपकी बीवी इंस्टाग्राम चलाती है तो अभी ही उस इंस्टाग्राम पर रोक लगाइए, ताला लगाइए, वरना वो भी हो जाएगी फरार और उसके वियोग में आप भी मनाएंगे राणपट्टी, और आप जो है मुस्मात हो जाएंगे, जिंदा बीवी के पति मुस्मात हो जाएंगे। इससे अगर बचना है तो आप जो है अभी से ही अपने परिवार पर विशेष ध्यान दे और मोबाइल से कोसों दूर कर दे, क्योंकि इस घटना को देखने के बाद इंसानियत को तार तार करने वाली ये घटना है। और दर्शकों से कहूंगा कि इस खबर को मांझ 5 आदमी में आपको शेयर कर देना है कि ये जो बच्ची की मां कहीं भी हो तो
तो वह कम से कम उस समाज में वहां से जानकारी इनको मिल जाए। और मेरे चैनल पर इस नंबर जो चल रहा है, अगर कहीं दिखती है तो इस नंबर पर फोन जरूर करें। और जो लड़का दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर हम अपने मोबाइल पर दिखा रहे हैं, उस वो भी लड़का अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो इसकी सूचना जो है इनको दे या मैसी थाने में दे। और अगर लड़की दिखाई दे रही है औरत, तो मैसी थाने को जरूर सूचित करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।